सोशल मीडिया पर एक एएसआई द्वारा स्वयं की वर्दी फाड़ने और थाने के अंदर हंगामा करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो करीब 7 महीने पुराना बताया जा रहा है, जो सिंगरौली के कोतवाली थाने का है। इस वीडियो ने पूरे शहर में हड़कंप मचवाकर रख दिया। मामला 7 महीने पहले का है, जब नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 में नाली निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों और पुलिस के बीच विवाद हुआ था। इसके समाधान के लिए नगर निगम और पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और मामले को सुलझाने के लिए सभी कोतवाली थाना पहुंचे। सुलह के दौरान एसआई अचानक तेवर में आ गया और उसने अपनी वर्दी फाड़ दी, टोपी और बेल्ट भी फेंक दिया। यह पूरा घटनाक्रम थाने के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया था। बाद में एसआई ने कुछ लोगों पर उसकी वर्दी फाड़ने का आरोप भी लगाया, जबकि स्थानीय लोगों ने बताया कि उसने खुद ऐसा किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद वार्ड पार्षद गौरी अर्जुन गुप्ता और स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मामले को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर जांच की जा रही है। मेरे बाबा के द्वारा यहाँ पे रोड और नाली के लिए जगह दिया गया था, और रोड और नाली जिसे जिनको जमीन दिया गया है वो लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। जैसे हमारे अंकल जी हैं विनोद मिश्रा अंकल जी, और यहीं बगल में गिरिजा गुप्ता जी हैं, वो भी रोड पे अपनी चौतरा उतरा बढ़ा ली थी, तो उस पर कुछ हमारे संतोष भैया लोग हैं वो लोग मना किए। तो अपने भाई वो साथ में रहते हैं विनोद मिश्रा जी, तो विनोद मिश्रा जी बोलते हैं हम मुकदमा कर देंगे कोई यहाँ कुछ कर देगा तो, और वो खुद जा कर बोलें कि बनाओ, कौन रोकता है देखते हैं। बस यही रोड नाली का मामला है भैया, जो हम लोग 2 साल से परेशान हैं। हम तो 6 साल से परेशान हैं। हमने 2019 में नाली पास कराई थी, नाली तो पास हमने करवाई, लेकिन विनोद मिश्रा जी हमेशा कहते थे मेरा ज़मीन है, तबकि उनका ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ये ज़मीन उनका नहीं है, उनका किसी रिलेटिव का है। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाभी आप नाली बनवा लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है। हमने नाली पास करवाई, नाली बनवाई, लेकिन रातों रात चूँकि वो भाई पुलिस वाले हैं तो पुलिस का पावर सबको दिखाते हैं, डराते हैं, तो हमारे ऊपर रातों रात मुकदमा करवा दिया है। हम लोग 5 साल से परेशान हैं, 6वां साल चढ़ गया है। ये दो का मीटर, 2 तारीख को मीटर है। ये गौतम बुद्ध कॉलोनी नाली और रोड लेके टीआई साहब ने हमें बुलाया था। मेरी मैडम पार्षद है, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। उसी में ना सपोर्ट बूथ बात हो रही थी, टीआई साहब भी थे, हमारे नगर निगम के ई साहब थे, उपाध्याय जी गजबीय जी थे, शांतिपूर्ण बात हो रही थी। उन्हीं के बीच में विनोद मिश्रा जी एसआई हमारे बैठक थाने में हैं, उनके द्वारा और उनकी पत्नी वहाँ भी मौजूद थी, उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने उनकी वर्दी फाड़ी, उनको धमकी दी। ये रोड नाली का टेंडर कराए हैं गौरी अर्जुन दास गुप्ता जी के द्वारा, ये उनका वार्ड लगता है, उनके द्वारा इसको रोड का टेंडर कराया गया है। ये लगभग काम शुरू हुआ था नवम्बर में, तो नवंबर में रोड नाली जब काम शुरू हुआ तो उसी समय पर रोकने लगे एसआई विनोद मिश्रा जी कि हमारे घर के पास नहीं बनेगी। सब जगह से रोड नाली एक तरफ बनी है, भाई जहाँ जैसे था वहाँ बन गई, बाकी 2 जगह भी बनी है, तो कुछ जगह वो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उधर भी दोनों तरफ नहीं बनने दिए, उसका पानी का रुख भेज दिए मंदिर तरफ, जबकि वास्तव में पानी मंदिर तरफ जाता है, यदि यहाँ होता था तो आ जाता करीब, थोड़ा सा गहरा है, 1 फीट गहरा हो जाता तो हो जाता। मेरे घर के पास 6 फीट गहराई पे, 6 फीट गहराई पे नाली गई है भाई, हमारे घर के पास ऊंच था तो उसमें लूज मिट्टी थी, खोद करके वो कर दिया गया। ये लोग अवैध रूप से घर बनाए हुए हैं रोड में, नगर निगम के द्वारा आकर नाली को खुदाई कर दी गई थी, फिर अपने लेबर लगा के पटवा लिए गए। केवल प्रशासनिक दम से इसमें तत्कालीन TI उस समय सुदेश मिश्र तिवारी साहब थे, उन्होंने अपने पूरा दल बल और प्रभाव के कारण पूरा उनका सहयोग करके, या जितना अवैध काम करे उनके सहयोग करके उन्होंने उनका पटवा दिए और पोर्च भी अवैध रूप से पोर्च भी निकाल दिए, जबकि पोर्च उस समय नहीं बना हुआ था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।